हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बता, कैसे हैं आप सभी? तू कहाँ से रहा? शाम का टाइम है और ठंड बहुत तेज वाली है। नहीं, और ये आज बता है क्या। सैटरडे, तो मैं आज मार्केट गई थी और इतनी लेट हो गई थी ना कि मार्केट मतलब पूरी बाजार उठ गई है। सब्जियां कोचरे मिली है, जो भी चीज़ें मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लेकर आई हूँ। और चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, देरी नहीं हुई और कार्तिक की बिस्किट देखो, हजम जितनी सारी रही और इतनी सारी खा लिया। खा लिया, बिस्किट खा लिया। काजू वाली है ना, और एकदम नमक वाली, इतनी अच्छी लगती हैं। और बिस्किट दिला कार्तिक ने, लेवाई हैं। ये देखो, एक ये वाली, ये जाता है ना, तो ये बस ये ले दो मम्मी, ये ले दो। खजूर भी लेवाया इस बार, है ना, खजूर फ्रिज में रख दिए। और ये हैं हमारी ज़रूरत की चीज़ें, बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी। तो ये मैं मुझे दुकान कुछ से 50 रुपये का ब्रश मिलता है जी, 10 रुपये का। हाँ, ये 10 रुपये का है। और ये हाँ, ये भी इतने का है। और ये मैं अपने लिए छोटे छोटे रिबन लाई हूँ, कभी कभी मैं चोटी बनाती हूँ ना, तो उसके लिए लाई हूँ। 10 रुपये में कितने का? 10 रुपये में कितने सारे हैं ये भी पता नहीं, कितने होंगे कि ये नहीं। भी 10 रुपये का है ना? हाँ, ये भी 10 रुपये का, मतलब सब हर माल ना 10 रुपये का है। ये भी बॉटल। और सब्जियाँ देखो, ये बस आई हैं इतनी सिर्फ। अच्छी बॉटल 10 रुपये। हाँ, सब। और सब्जियाँ यही मिली हैं, खाली प्याज टमाटर और थोड़ी सी धनिया। इसमें अदरक है, अदरक अच्छा मिल गया है, तो इसका मैं आधा बचा लूँगी, थोड़ा सा पेस्ट बना के रख लूँगी, क्योंकि जब काम में लगने लगती हूँ ना मैं, तो फिर पेस्ट काम आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी सी बस इतनी ही ले पाई हूँ, क्योंकि 9 बजे तो मैं यहाँ से गई हूँ और सारा बाजार, क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है ना, तो मार्केट उठ गई थी। और एक ये लेकर आई हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है ना, बाल जब मेरे ऊपर रहते हैं ना, धुलने के बाद सुखाती हूँ, तो ये लगा लिया करूँगी। ये भी 10 रुपये का है, अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम में लेकर आ गई हूँ। जलेबी रह गई अभी कार्तिक, जलेबी लेकर, जलेबी जलेबी भी लेकर आई हूँ। ऐसे ना क्या होता है, देखो 30 रुपये की ठंडी में जलेबी, गरम नहीं है, ठंडी वाली जलेबी। खाना बनाना नहीं है, बड़े फुर्सत से बैठी हैं, क्योंकि बज गए हैं कितने कितने बज गए हैं, हाँ 10:45 होने वाले हैं। मम्मी ने थोड़ी बहुत खाना रख दिया है, पूड़ी और सब्जी। अभी ये आए थे ना, तो फिर खा के ही आए थे उस टाइम पे, तो फिर मैं हमारे मम्मी को चैनल को हमारे मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर भी करना। पता नहीं कैसी आ रही है ना इधर पे। हाँ ठीक नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग है ना लाइट के नीचे ही बैठे हैं। हाँ अब आ रही है, बताओ भाई, हम लोग है कहाँ ना। से आए हैं इतनी। आप लोगों को एक चीज़ और दिखा रही हूँ, अचार। अचार लेकर आई, इतना टेस्टी कटहल का अचार बनाई है मेरी बहन, छोटी वाली, उसने अचार बनाई है, तो मैं अचार भी लेकर आई। बस पूरियों के साथ सब्जी और अचार खाएंगे बस। और जलेबी तुम लोग खा ली, निकाल लो, जा प्लेट ले आ, जलेबी निकाल लेते हैं। देखो गिरे ना, है ना, कागज। हाँ उसको ही पलटा लो, ऐसे नहीं फेंकना, चीटी लग जाएगी। टेस्टी जलेबी, टेस्टी जलेबी, वाव, है ना। आप लोग भी आ जाइए कार्तिक की जलेबियाँ खाने। मैं कार्तिक तू सी थोड़ी और क्या मर तो जाए, कटाई दिखे जा रही है। ये देखो, ये देखो, आनंद आ गया कार्तिक को, है ना। कार्तिक को जलेबी बहुत पसंद है ना, जलेबी और रसगुल्ले दे दो, नहीं चट कर जाएगा। अपन को वो लोड़े पे भी लेने थे वो वाले रुको तो उसको उसका नाम नहीं आता, इसलिए लुड़वा वो काला काला जो लोग बोलो भैया हमने रेटेड वो मोटे वाले जो सेब आते हैं ना, थोड़ा सा मतलब मीठे वाले, तो कार्तिक को उनका नाम नहीं आता, तो
क्या बोल रहा है लुड़वे कार्तिक भी नहीं, लुड़वा तो बहुत होता है ना कार्तिक खाली ना रहा वो लुड़वे वाले वो सेव वाले आते हैं यार वो एक तो बोलो ऑरेंज कलर के लाल कलर हाँ वही सेव मैं बता शक्कर लिपटी होती है वही वाले तो वो नाम नहीं आ रहा उसको। चलो अगली बार दिला देंगे ठीक है। अभी जलेबी खाओ तुम चलो उनको रख दीजिए बिस्किट भी रखो। और आज है संडे बज गए हैं 9। कपड़े धुलकर आई हूँ अभी अभी मैं और कपड़े मैंने धुलकर डाल दिए हैं अभी कुछ भी नहीं हुआ है झाड़ू तक नहीं लगे संडे है तो बस अभी फटाफट से पहले काम करते हैं फिर उसके बाद नाश्ता। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ दाल बढ़िया सी दाल बनाऊंगी और उसके रोटी के साथ चूरा बनाकर खाएंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और आज बहुत इच्छा हो रही है कितने दिनों से नहीं खाई है तो रोटियां भी रखी और पूड़ी भी रखी है ढेर सारी मैंने बनाई थी ना कल भी बनाई थी तो इतनी सारी पूड़ियां पूड़ी तो बासी भी अच्छी लगती हैं किसी भी चीज़ के साथ पर रोटियां भी रखी रह गई तो वो खाएंगे और प्रसाद रखा है इतना सारा तो ये तो खैर ठीक है ये आया है प्रसाद तो इसको रख दूँगी। और कल मम्मी के यहाँ से भी लेकर आई थी तो और पूड़ियाँ ये रखी हैं और कुछ पकोड़े हैं सिंगाड़े तो आज ये सब फिनिश करना है। सबसे पहले नाश्ते में यही सब खा ले रहे हम लोग उसके बाद कुछ अच्छा सा बनाएंगे दोपहर में तो अभी ये हमारा नाश्ता हो जाएगा बढ़िया सा और बहुत ही अच्छा लगता है मज़े का। तो चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ दाल तो मेरी पता ही आप लोगों को बहुत ही सिंपल सी बनाती हूँ एक ही बार में दोबारा की झंझट नहीं करती हूँ एक ही बार में मैं दाल का काम कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे सब्जियां लेने क्योंकि कल आप लोगों को मैंने बताया था कुछ भी सब्जियां नहीं मिल पाई हरी वाली तो सिर्फ मैं प्याज बस लेकर आई हूँ और हरी हरी सब्जियां अच्छी सी लेकर आऊँगी तो अभी जाऊँगी नाश्ता वगैरह करने के बाद तैयार होकर और मतलब काम कंप्लीट करके फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ज़रूरत की थी वो लेकर आई थी कल मैंने आप लोगों से शेयर भी की उसके बाद से मैं अभी आप लोगों से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अभी से क्योंकि क्या हुआ था रात को फिर टाइम हो गया था नींद भी आ रही थी ना कुछ और वैसे भी कुछ बनाने नहीं था लेकर मम्मी ने रख दिया था लेकर आई थी तो वही हम लोग ने खा लिए थे बहुत हो गया था और बस उसी को फिनिश करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं उससे ना मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ कि मैं कल ये थाली में ही रख कर छोड़ कर चली गई थी जब मैं प्रसाद वगैरह लेकर गई थी तो मैंने सोचा इसमें रख देती हूँ और ये लोग ना खाए भी नहीं है मैं खाने के लिए ही निकाली थी कि ये लोग नाश्ते में अभी खा लेंगे लेकिन इनको ये सब नहीं खाना है और कार्तिक भी आज नहीं खाया। और यहाँ पर ये मैंने सारी सब्जियों को धुल कर रख दिया है थोड़ा सा ऐसे ही धूप नहीं है बस छाए हैं तो ये अच्छे से थोड़ा सूख जाएंगे अदरक भी सूख जाएगा। तो दाल के लिए मुझे जितनी चीज़ें चाहिए उतनी मैंने ले ली हैं और आज थोड़ा सा अलग टाइप से मैं दाल बना रही हूँ। तो ये मैंने दाल को अच्छे से धुल कर साफ़ कर लिया है धो दिया है दो तीन पानी से उसके बाद इसी में मैं धनिया और हरी मिर्चें टमाटर सभी चीज़ इसी में साथ में काट दूँगी तो इसी में मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं कुकर में जब मैं बनाऊंगी तो उसमें थोड़ा सा वो डाल के तड़का लगा दूंगी तो इस तरीके से भी बनती है। और बस ऐसे बना दो झटपट से ना
तो अच्छी भी लगती है, बहुत ही सिंपल सी और अच्छी दाल लगती है। अच्छा, दाल कभी कभी बनाओ ना तो मुझे भी अच्छी लगने लगती है, और रोज़ रोज़ बनती है तो उतनी ख़ास नहीं लगती, फिर मुझसे खाई नहीं जाती है। तो कभी कभार बनती है ना तो फिर दाल अच्छी लगती है, और दाल खानी भी चाहिए क्योंकि प्रोटीन से भरपूर होती है दाल, और मुझे दाल ही ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मैं जब कभी कभी बनाती हूँ तो बस मैं खा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरे चूल्हे पर चावल भी चढ़ा दिए हैं, फ़िलहाल तो अभी नाश्ते में रोटी और दाल खाएंगे, और बहुत ही टेस्टी लगती है, इस तरीके से खाओ। अभी आप लोग देखिएगा बहुत ही अच्छा सा एक इसका जो नाश्ता है ना वो बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए मैंने दाल को धोकर उसी में टमाटर, मिर्चें, धनिया सारी चीज़ें उसी के साथ मैंने ऐड कर दी हैं। कोई भी चीज़ मैं कुकर में फिर से फ्राई नहीं करूँगी, तो इसमें सिर्फ मैं लहसुन का तड़का लगा रही हूँ। उसमें तड़का लगाने के बाद ये सारा मैं डाल दूँगी, दाल और जैसा टमाटर वगैरह काटे थे वो, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मसाले डाल दूँगी। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि मैं ज़्यादातर दाल ऐसे ही बनाती हूँ जो एक ही बार में तड़का लग जाए, क्योंकि बार बार मैं तड़का नहीं लगाती कि पहले उसको बॉयल करो फिर उसके बाद उसमें तड़का लगाओ। तो मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ ऐसे ही काम कर देती हूँ, जिससे दाल बन जाती है तो तैयार हो जाती है। क्योंकि मेरे पास ना टाइम की कमी रहती है, तो मेरा यही है शुरू से ही, तो मैं इसी तरीके से झटपट वाला काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस थोड़े थोड़े मैं मसाले डाल दूँगी, जो रूटीन के मसाले होते हैं, बहुत ही हल्के हल्के। नमक भी डाल दिया है, और इसमें दोबारा पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और रोटी के साथ खानी है तो थोड़ा सा इसको पतली बनाएंगे, क्योंकि उस तरीके से ही बनेगी जब जाके वो अच्छा सा एक नाश्ता बनेगा। तो जब तक यहाँ दाल बन रही है, मैंने जितने बर्तन वॉश किए थे तो उनको मैं उनकी जगहों पर रख दूँगी। बर्तन जमाने के बाद मैंने सारे उनकी जगह पर जमा दिए हैं। यहाँ पर कार्तिक की जो बिस्कुट आई थी रात को मैंने शेयर किया था आप लोगों से, तो मैंने कुछ भी सामान ऐसे जमाया नहीं था, तो अभी मैं बिस्किट वगैरह उसकी डिब्बे में भर दूँगी। तो अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग डब्बे में ही रख दूँगी मैं, वैसे भी एक डब्बे में नहीं बनेंगी तो इसको अलग अलग ही डब्बे में रख दूँगी। जब भी कार्तिक मेरे साथ जाता है बाजार तो वो ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें लेवाता है कि मम्मी बिस्किट या और भी चीज़ें रहती हैं, तो वो लेवाता है तो मैं ले देती हूँ, और अच्छे से वो दो तीन दिन आराम से चला लेता है। ज़्यादा महंगी नहीं है, 10-10 रुपए वाले पैकेट हैं, तो आराम से ये बिस्कुट चला लेता है। फिर उसके बाद तो फिर मैं महीने के जो राशन होता है उसमें लेकर आती हूँ, तो फिर वो काफ़ी समय चलती हैं, तो ये अच्छी भी लगती हैं। आटे की बिस्किट रहती है, और यहाँ पर जितना कचरा मैंने किया था बस झाड़ू भी लगा दूँगी। तो यहाँ सारा काम मेरा रेडी हो गया है, और नाश्ता और खाना दोनों मतलब बन गया है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता करूँगी, सब लोगों ने कर लिया था, हमें टाइम हो गया था काफ़ी। तो ये बस मैंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, प्लेट में रखे, और उसके बाद उसके ऊपर से दाल को डाल दूँगी, और ये थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ, बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम चाट की तरह। और भी चीज़ें आप इसमें ऊपर से टमाटर जैसे डाल सकते हो, और हरी मिर्च, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और थोड़ा सा घी डाल लें ऊपर से तो और भी अच्छी लगेगी ये। मैं घी नहीं खाती इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ ज़्यादा। तो ये सिंपल सा जो हमारा नाश्ता है वो तैयार है, और आज का वीडियो इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। थैंक यू।